ये मेरे हाथ में क्या है? धागा है बेटा ये। हम क्या करेंगे इससे, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक सिंपल सा साइंस ट्रिक है यहाँ पर, ठीक है? तो बेटा ये मेरे पास है आइस क्यूब्स, क्या है? आइस क्यूब्स। और ये मेरे पास है वाटर, पानी, बीकर में पानी है, ठीक है? तो अब क्या करना है कि हम लोगों को, आप कैमरा इधर ही रखें, हम लोग क्या करते हैं पानी में क्या डाल देते हैं? आइस क्यूब्स डाल देते हैं। क्या डाल रहा हूँ बेटा मैं? आइस क्यूब। सर इस एक्सपेरिमेंट से होगा क्या? बेटा मैं क्या करने वाला हूँ कि इस धागे से इन आइस क्यूब्स को उठाने वाला हूँ। सर वैसे ऐसा पॉसिबल हो तो नहीं सर? लेकिन बेटा बात सुने, आप हंसे नहीं, मजाक नहीं उड़ाएं इस एक्सपेरिमेंट का, मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगा। सर अगर आपने ऐसा ना किया तो करें, कोई बात नहीं बेटा, अगर ना होगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसा होगा इंशाल्लाह। आप चुप कर जाओ, ठीक है? ये देखो बच्चों, ये मैंने धागा डाल दिया इसमें, अभी मैं इसमें साल्ट डालने लगूं। तो इसकी साइंस भी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है? अच्छा बेटा, जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट होता है तब तक हम इसकी साइंस समझ लेते हैं। तो साइंस बेटा क्या है कि आपने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पढ़ी हुई है ना? यस। क्या होता है कि जब हम साल्ट डाल देते हैं पानी में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इन आइस क्यूब्स में मैंने साल्ट डाल के बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। अब जब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो ये आइस क्या होना शुरू हो जाएगी? मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो धागा क्या करना शुरू हो जाएगा? नीचे जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन साल्ट जो है वो आइस क्यूब्स में, पहले मैंने साल्ट किस में डाला? आइस क्यूब पर डाला, लेकिन बाद में साल्ट पानी में चला जाएगा। तो होता क्या है कि वही आइस दोबारा से रीफ्रीज होना शुरू हो जाती है। तो जब दोबारा से रीफ्रीज होती है तो धागा उस आइस में क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। तो बेटा अभी हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं उठा के कि क्या ये आइस क्यूब्स हम धागे से उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। यस। तो बेटा ये देखो, तो बेटा ये ट्रिक आपको समझ में आ गया? Yes! इस तरह से मैंने धागे के साथ आइस क्यूब को क्या कर लिया? Yes.